हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे अंकित वाडीसारा एंड राहुल तेवतिया सर की बुक कंप्लीट मैथमेटिक्स, और इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके सामने बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक तरीके से आपको कराया जाएगा। जैसे कि आपके सामने ये एक नया चैप्टर चल रहा है रेशो एंड प्रोपोर्शन, तो रेशो और प्रोपोर्शन से रिलेटेड आपके सामने मैंने 112 तक क्वेश्चनों का सॉल्यूशन वन बाय वन और चैप्टर बाय चैप्टर कराया है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बहुत ही जबरदस्त सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा, और केवल एक ही मेथड से आपको, एक ही पैटर्न से आपको पूरी बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन सिखाया जाएगा। तो आप सीख लीजिए, आपका मैथ बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक हो जाएगा। जैसे कि आपके सामने हमारा एक कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है कि दुनिया का कोई भी मैथ का सॉल्यूशन होगा जो लैंग्वेज से रिलेटेड होगा, वो इन दो फॉर्म में चलेगा, या तो संख्या के बराबर रेशो या परसेंट, या संख्या पर ही मल्टीपल रूप में रेशो या परसेंट चलेगा। और किस तरीके से चलेगा, दी गई क्वेश्चन में जो संख्या होगी उसके बराबर रेशो या परसेंट चलेगा। जैसे योग दिया है तो योग के बराबर योग करना रेशो या परसेंट का, अंतर दिया है तो अंतर बराबर अंतर, कम बराबर कम, अधिक बराबर अधिक, गुणनफल बराबर गुणनफल आदि, इस फॉर्म में हम क्वेश्चनों का सॉल्यूशन निकालते हैं। और इसके लिए मैंने एक वीडियो भी अपने चैनल पर बनाई है, अगर आपकी समझ में कम आ रहा है ये वाला कंसेप्ट तो इसकी वीडियो देख लेना। वीडियो वाला जो हमारा टाइटल है उसमें जाकर आप वीडियो चेक कर लेना, उसमें मिल जाएगा। और यदि किसी को डाउट है तो मुझे कमेंट देना, मैं उसमें लिंक आपके पास प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए आप देख लीजिए, आपके सामने इक्वल टू इक्वल फॉर्म में क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। देखो, एक विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या 640, देखिए कुल संख्या आ गई यहाँ पर योग, यानी कुल विद्यार्थियों का योग आ गया संख्या के रूप में, तो हमें इधर रेशो के रूप में योग करना है। तो पहले हम लिख लेंगे कुल विद्यार्थियों की संख्या 640 है, क्लियर, जिसमें लड़के और लड़कियों का, बॉयज एंड गर्ल्स का रेशो दिया है 5:3। तो देखो, मैंने बताया था कि दी गई संख्या है इधर योग में, तो रेशो का योग कर ले, लड़के लड़कियों का रेशो का योग 5:3 हो जाएगा। देखिए, एक रेशो की वैल्यू आ जाएगी 8×8, एक रेशो की वैल्यू आ गई 8×64 आ गई। तो एक रेशो की वैल्यू 80 है, 5 की कितनी हो जाएगी 8×5=40, 400 लड़के हो जाएंगे, 8×3=24, 240 लड़कियाँ हो जाएगी। क्लियर हो गया, देखिए बिल्कुल स्पष्ट हो गया इक्वल टू इक्वल फॉर्म में। इसी तरह से पूरे मैथ के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मिलेगा आपको। यदि विद्यालय में और 30 लड़कियां आ जाए, अब देखो विद्यालय में अगर 30 लड़कियां आ जाए, 30 आ जाने पर कितना हो गया, 270 लड़कियां हो जाती है, कितनी हो जाती है 270। ध्यान से देखो, आ जाए और कितने लड़कों का नामांकन होना चाहिए, यानी कितने लड़के आए। देखो विद्यालय में नई लड़कियां 30 आ गई, तो कुछ लड़के भी आए जिनका नामांकन हुआ विद्यालय में, है ना, ताकि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 14:9 के अनुपात में हो जाती है। देखो, लड़कियां आ जाने से लड़कियां 270 हो गई, कुछ लड़के आ गए, तो फिर उनका जो रेशो हुआ वो 14:9 के अनुपात में हुआ। अब देखो, यहां पर भी हम इक्वल टू इक्वल करेंगे, यही चलता है सब जगह पर, 14:9, क्लियर। अब देखो, जैसे ही लड़कियां आई तो लड़कियां 270 हो गई, तो रेशो कितना हो गया हमारा, रेशो 9 हो गया उनका, टोटल लड़कियों का रेशो 9 है यहां पर। तो यहां पर भी योग बराबर योग, किनका, कुल लड़कियों की संख्या दी 270, तो उनका रेशो आ गया 9। तो देखो, यहां से 9×3=27, एक रेशो की वैल्यू 30 है, क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, इसमें गुणा कर देंगे, 14×3=42, 14 गए कितने होंगे, 14×3=42, लड़कों की संख्या 420 हो जाएगी। जैसे आपको पता है पहले लड़के 400 थे, अब हो गए 420, इसका मतलब कितने लड़कों का नामांकन हुआ है, इसका मतलब 20 लड़कों का नामांकन हुआ है, तो नामांकन वाले लड़कों की संख्या आ गई 20, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो बहुत ही प्यारा और आसान तरीका आपको सिखाया जाएगा, और दिक्कत नहीं आने देंगे आपको मैथ के साथ में। मैथ का कोई भी क्वेश्चन आपका डिफिकल्ट और कठिन नहीं लगेगा, अगर लगता है तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम उसको सॉल्यूशन ऐसा देंगे बिल्कुल इजी बना के, इसी कंसेप्ट से ही, कोई दिक्कत नहीं आने देंगे किसी भी क्वेश्चन में। जैसे कि क्वेश्चन नंबर आता है 114, देखिए ये तो आ गया होगा समझ में,
देख लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 114 भी देखेंगे, बहुत ही प्यारा। और देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज टू लैंग्वेज क्वेश्चन हल करते हैं, हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं मानेंगे, नहीं मानने की आवश्यकता होती, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ दीजिए और बस इसी से ही आपके सभी क्वेश्चनों का सोल्यूशन मिल जाएगा। एक गांव में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात, देखो बॉयज एंड गर्ल्स की संख्याओं का अनुपात 5:3 दिया है। अब मालूम नहीं यहाँ पर लड़के लड़कियाँ कितनी कितनी है, छोड़ो हमें ज़रूरत भी नहीं है, हम अपने आप बना देंगे यहाँ पर कंडीशन क्या है। देखो यदि 40% लड़के और 60% लड़कियाँ एक परीक्षा में उपस्थित हुए, तो देखो लड़के यहाँ से 40% उपस्थित हुए और लड़कियाँ इसमें से 60% उपस्थित हुए, तो देखिए कितने परसेंट लड़के लड़कियाँ उपस्थित हुए देखेंगे। देखो 5 का 40% होता है 2, आप चेक करें 5 का 40% में चेक करा रहा हूं, वैसे तो हमें मालूम है 2 है, 40 × 5 = 200% ये दिख रहा है, 200% से मैंने 2 0 काटी, 2, इसका मतलब 2 लड़के उपस्थित हुए इनमें से, रेशो के रूप में है, ये रेशो में है, अगर ये 5 के रेशो में, ये 3 के रेशो में, तो 2 का रेशो में उपस्थित हुए। बॉयज कितने हुए? 2, ध्यान से देखो, और लड़कियां कितनी हुई? 3 का 60% होता है 1.8, देख लीजिए 3 का 60% होता है 36, 18, 180, 2 अंक छोड़कर दशमलव ऐसे ही हटाएंगे एक अंक, यहाँ पर 1.8 लड़कियाँ उपस्थित हुई, तो लड़कियाँ हुई 1.8, क्लियर हो गया, प्रेजेंट है ये। और जो उपस्थित नहीं हुए वे कितने रह गए? देखो लड़के लड़कियां जो उपस्थित नहीं हुए, 5 में से 2 तो उपस्थित हुए, 3 नहीं हुए, 3 में से 1.8 उपस्थित हुए, तो 1.2 उपस्थित नहीं हुए, चेक कर लीजिए आप, क्लियर। इन्हीं में से जो ये 2 उपस्थित हुए तो बचे हुए इनमें से ये घटा देंगे, ये आगे इन 3 में से 1.8 घटाएंगे, बचे हुए ये उपस्थित नहीं हुए। अब देखो क्वेश्चन में पूछा है, तो परीक्षा में बैठने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या, ये तो परीक्षा में बैठने वाले लड़के लड़कियां हैं, इन्हें जोड़ लेंगे कितना है, और उसी परीक्षा में शामिल न होने वाले, ये शामिल न होने वाले लड़के लड़कियों का हमें अनुपात बताना, ये कितने हैं जोड़ लीजिए इनको और फिर इनका अनुपात बताना है। तो देखो 2 और 1 3.8, तो ये हो गए 3.8 के रेशो में, और ये हो गए 3 और 1 4.2 के रेशो में, ये हो गए। अब देखो दशमलव से मैंने दशमलव हटाया, 2 से 38 को काटेंगे 19 बार और 2 से 42 को काटेंगे 21 बार, तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, बहुत ही प्यारा और बहुत ही इजी व आसान, और आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ गया है 19 व 21, ऑप्शन बी इज राइट 19 व 21। क्वेश्चन नंबर 115, बहुत ही प्यारा और बेस्ट सॉल्यूशन मिलेगा आपको क्वेश्चन का। एक वॉलेट में 10 रुपये 50 रुपये मूल्य वर्ग के नोट है और नोटों की कुल संख्या 12 है। देखिए 10 रुपये और 50 रुपये मूल्य वर्ग के नोट है, यहाँ पर लिखेंगे 10 रुपये मूल्य वर्ग वाले और इधर लिखेंगे 50 रुपये मूल्य वर्ग वाले नोट, और इन नोटों की कुल संख्या दी है कुल 12। कुल का मतलब योग, तो योग बराबर योग होगा, ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, आप यहाँ पर ध्यान से देखें, योग बराबर योग, जिसमें 10 रुपये 50 रुपये के नोटों की संख्या का अनुपात 1:2 दिया है। देखिए हो गया ना, एक साइड में कुल संख्या योग के रूप में है, तो एक साइड में रेशो का योग हो जाएगा 2 और 1 3, 3 × 3 = 12, 1 रेशो की वैल्यू आ गई 4, और 4 × 4 नोट 10-10 वाले हैं और 4 × 2 = 8 नोट 50-50 वाले हैं, ये देखिए ये। अब हमसे पूछा है बताओ वॉलेट में कुल कितने रुपए है, वॉलेट यानी पर्स में कुल कितने रुपए है। अब देखो 4 नोट 10-10 रुपए वाले अगर देखा जाए 10 × 6 = 40 रुपए हो जाएंगे कुल के लिए जोड़ेंगे, और 8 नोट 50-50 रुपए वाले देखें तो 5 × 8 = 40, 400 रुपए हो जाएंगे, तो कुल पूछा है यानी कि योग, 400 में 40 जोड़ेंगे 440 रुपए हो जाएंगे कुल,
तो वॉलेट में कुल धन था 440 रुपये। देखिए आगे क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल इजी और बेस्ट सॉल्यूशन में आपको मिल गया, ऑप्शन ए इज राइट। अब नया क्वेश्चन देखेंगे, देखो कोई भी दिक्कत नहीं है, सब इसी मेथड से सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन होता है, यहाँ पर भी यही तरीका लगेगा। देखो तीन संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली संख्या की, देखो पहले तीन संख्या लिखेंगे, पहली दूसरी और तीसरी, तो इन तीन संख्याओं में बात कर रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या की एक तिहाई, यानी कि एक या हो जाएगी तीन या हो जाएगी, या है दूसरी एक और या तिहाई एक तिहाई, क्लियर। और तीसरी संख्या की तीन चौथाई है या दूसरी संख्या तीन या चौथाई नहीं, यह है या तीन, दूसरी संख्या की बात कर रहा, और अभी बात नहीं खत्म हुई इसकी, और तीसरी संख्या की तीन चौथाई है या वाली संख्या, दूसरी संख्या तीन चौथाई है तीसरी की, ये लिखने की कला आनी चाहिए आप पर, ये कला आ गई मैथ कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ईजी और आसान है, आप देख लीजिए आपके सामने सॉल्यूशन हो जाएगा। अब जेड पोजिशन वाला तरीका लगाएंगे इसमें, ये वाला जेड पोजिशन बोलते हैं, जैसे अंग्रेजी में जेड का लेटर होता है वो वाला तरीका जेड पोजिशन। अब तीन तिया नौ गुणा करेंगे इनकी, तीन निगम तीन इधर गुणा करेंगे और एक चौका चार, अब इनका एक्चुअल रेशो आ गया, बिल्कुल शुद्ध और सही रेशो कन्वर्ट हो गया, नौ तीन और चार, पहली संख्या का रेशो नौ, दूसरी का रेशो तीन और तीसरी का रेशो चार है। अब हमसे पूछा गया है या हमें दिया गया है कि तीनों संख्याओं का औसत, औसत किसे कहते हैं, तीनों संख्याएं आपस में बराबर बराबर बटी हुई है 112 के रूप में, बट है वे छोटी पड़ी है, लेकिन औसत के रूप में 112 का एवरेज बन रहा है, तो अगर तीनों का 112 तीनों को तीन जगह पर जोड़ा जाए 112 के रूप में, तो योग हो जाएगा 336, तो योग किया मैंने 336 हो जाएगा, यहां से मालूम हुआ है, क्योंकि योग बराबर होता है औसत गुणा संख्या, योग बराबर होता है औसत है 112 संख्या है वे तीन, तो 336 हो जाएगा, ये वाला कंसेप्ट ये। तो अब मैंने योग निकाल लिया तीनों संख्याओं का, यहां से मुझे बन गया है योग संख्या के रूप में, तो रेशो के रूप में योग किया जाएगा, अब इनका ये रहा 9, 3, 12 और 4, 16, देखिए योग बराबर योग हो गया। पूछा है सबसे छोटी संख्या बताएं, सबसे छोटी संख्या यह है जिसका रेशो 3 है, तो पहले योग बराबर योग करेंगे, एक रेशो की वैल्यू निकालेंगे, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, एक बच गया हो गया 16 एकम 16, तो एक रेशो की वैल्यू आ गई 21। हमसे पूछा है सबसे छोटी, तो सबसे छोटी यहीं पर ही गुणा करेंगे, 21 63, ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 63, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 117, देखो क्वेश्चन नंबर 117 बहुत ही प्यारा और 118 दोनों क्वेश्चन जबरदस्त सॉल्यूशन के बनेंगे, बहुत ही एक एक वर्ड समझाएंगे आपको, बिल्कुल आसान हो जाएगा। एक धनराशि ए बी सी के बीच में 9, 6, 11 के अनुपात में बांटी गई है, देखिए ए बी सी के बीच में 9, 6, 11 के अनुपात में बांटी गई है। अब देखिए यदि ए अपने हिस्से से 500 रुपये सी को देता है, अब देखो सी को देगा, अब देखो यहां पर एक छोटा सा के कांस्टेंट लगा लीजिए पहचान करने के लिए, क्योंकि दो दो बार रेशो आया हुआ है, अगर हम कांस्टेंट नहीं लगाएंगे तो हम तो कर लेंगे लेकिन बच्चों को दिक्कत आ जाएगी, इसलिए थोड़ा पहचान बनाने के लिए यहां पर के कांस्टेंट लगा देंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, के कांस्टेंट, क्लियर। अब देखो अब मुझे पता है 9 का इतना धन है, बी का इतना, सी का इतना है, तो ए ने क्या किया 500 रुपये सी को दे दिया अपने धन में से निकाल कर, तो ए के पास रह गया 9k-500, ये ए के पास शेष धन रह गया, और सी के पास आ गया 11k में प्लस हो जाएगा 500, ये सी के पास हो गया धन, ये सी के पास धन हो गया,
और ऐसा करने पर ए बी सी के हिस्सों का अनुपात तीनों का 4:3:6 हो जाता है। बी तथा सी के आरंभिक हिस्सों का योग बताओ, बी और सी के आरंभिक हिस्सों का योग। तो चलिए अनुपात क्या हो जाता है, 4:3:6। अब मुझे दो का मालूम है, ए का सी का, तो मैं यहाँ पर ए और सी के रेशो को लिख दूंगा। इसका 4 हो गया और इसका 6 हो गया, बीच में बराबर लगाएंगे और इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट से हम के की वैल्यू फाइंड करेंगे, के की मान, यानी के का मान हम निकालेंगे यहाँ से। छोटा करेंगे, 2 × 4, 2 × 3 = 6। देखो ब्रज गुणा करेंगे, 3 × 9 = 27 के, यहाँ से शुरू कर देंगे। क्वेश्चन हल करना बिल्कुल आसान है, 27 के माइनस 3 बन जाए 1500, बराबर लगाएंगे निशान, 2 × 11 × 22 के प्लस 500 × 1000 रुपये, ये ना बस। अब यहाँ से के आ जाएगा, देखो 27 में से 22 आगे घटेगा 5 के बराबर, 1500 हजार में जुड़ेगा 2500, तो के का मान आ गया, एक रेशो की वैल्यू यानी के का मान आ गया 500, के का मान आ गया 500। अब हमसे पूछा है बी तथा सी के आरंभिक हिस्सों का योग, तो बी का यह है और सी का यह है, इनका योग बताना है, बी और सी के हिस्से का आरंभिक योग, ये वाला योग बताना है बी और सी के हिस्से का। अब देखिए हो जाएगा, अब देखो 11 और 6 = 17, 17 के हो गया और के का मान यहाँ से भरेंगे, के बराबर 500, तो 17 बन जाए 8500 रुपये हो जाएगा। चलिए चेक कर लीजिए, आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया, बड़ा आसान बड़ा सिंपल, ऑप्शन ए इज राइट, ये रहा, बिल्कुल ईजी। देख लीजिए, आप चेक कर लीजिए, धमाकेदार बिल्कुल खूंखार खतरनाक सॉल्यूशन आपके सामने। अब इसमें देखिए हमारा इक्वल टू इक्वल भी लगा है, तो चलिए नया क्वेश्चन देखते हैं और बहुत ईजी और बेस्ट बनाएंगे और आपको टॉप बनाएंगे मैथ में। ए बी की आय का अनुपात, देखो आय का अनुपात यहां पर लिख लीजिए, इनकी आय का अनुपात है 2a 3a, ये इनकी आय का अनुपात है ए और बी की आय का, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, उनके खर्च का अनुपात, ये हो गया उनके खर्च का अनुपात, 1 के से मतलब खर्च, 2 के से मतलब खर्च, ये उनके खर्चे हैं, क्लियर। अब ध्यान से देखो, बी के खर्च का 90%, बी का खर्च ये है, देख लीजिए बी के खर्च का, यानी कि 2 के का 90% ए की आय के बराबर है, ए की आय यह है 2a के बराबर है। तो यहां से मुझे ए और के का मान मालूम हो जाएगा, देखो परसेंट का बटे में मैंने 100 किया, 1 0 से 1 0, 2 से मैंने 2 काटा, के का मान हो गया, नहीं के बटे का मान हो गया 10 और ए का मान हो गया 9, यानी बराबर में मान अपना होता है, बटे का मान अपना। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ के बराबर 9 और ए के बराबर 10, के बराबर 10 है और ए बराबर है 9, ए बराबर है 9। ध्यान से देखो थोड़ा, के का मान 10, ए का मान 9, तो के बराबर 10, ए बराबर 9। अब हमसे पूछा है ए की आय के बराबर है, तो ए व बी की बचत बताओ। अब देखो बचत निकालनी है हमें, ए व बी की बचत, ए व बी की बचत, तो देखो आय में से हम खर्च घटा देंगे, ए की बचत आ जाएगी, 2a में से घटाएंगे 1k और इधर 3a में से घटाएंगे 2k, ये a और b की बचत है। अब देखो यहाँ पर a और k का मान भर लेंगे, देखो a का मान है 9 × 9 = 18 माइनस k का मान है 10, के का मान है 10, फिर यहाँ भरेंगे ए का मान 9 × 3 = 27 माइनस 10 × 2 = 20। अब देखो 18 में से 10 घटाएंगे 8, 18 में से 10 घटाएंगे 8, 27 में से 20 घटाएंगे 7, ये हमारा आंसर आ जाता है 8:7। देखिए 8:7 का अनुपात आ गया ऑप्शन ए।
तो कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा आसान, बड़ा प्यारा, इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट से पूरा मैथ फिनिश हो जाता है, फिनिश हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 119 देखते हैं और सॉल्यूशन देखेंगे, बड़ा इजी, बड़ा आसान होगा आपके सामने। यदि 4p बराबर 6q बराबर 9r है तो pqr का रेशो हमें बताना है। तो देखो, जब इक्वल टू इक्वल आ जाए, बराबर बराबर 4p 6q 9r इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए, तो ऐसी कंडीशन में pqr का रेशो बहुत इजी और आसान हो जाता है निकालना। देखो, पहले वाले को छिपा लीजिए। ये दो तरीके होते हैं इसको हल करने के। पहला तरीका मैं आपको बता रहा हूं, देखिए, फर्स्ट टाइप ये है, पहले नंबर 4 को छिपा लीजिए, बाकी 6 और 9 की गुणा कर दीजिए, 6 नंबर 54, ये पी का रेशो आ जाएगा। फिर क्यू का रेशो निकालना है तो 6 को छिपा लीजिए, 9 चौक 36, बाकी की गुणा कर दीजिए, फिर 9 को छिपा लीजिए, 6 चौक 24। ऐसे एक तरीका तो ये है, लेकिन पहले इसको छोटा कर लीजिए। देखो, 6 नंबर 54, 6 चौक 36, 6 चौक 24, ये आ गया पी क्यू आर का रेशो 9 6 4। देखिए, 9 6 4 ऑप्शन ए इज राइट, ये रहा ऑप्शन ए इज राइट, एक तरीका तो ये है। अब देखिए, दूसरा तरीका भी आप देख लीजिए, क्या है दूसरा तरीका आप देख लीजिए, बिल्कुल आसान और बिल्कुल ईजी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो, इनका एलसीएम ले लेते हैं, 4 6 9 का एलसीएम, इनका एलसीएम होगा 36, और 36 को बारी बारी इन्हीं से भाग कर दीजिए। एक तरीका ये होता है, पी क्यू आर का रेशो आ जाएगा 4 9 36 9 6 6 36 6 और 9 4 36 4, एक तरीका ये आ गया आपका। देखिए, बहुत अच्छे अच्छे तरीके हैं, मैथ डिफिकल्ट नहीं है, हम आपको बार बार कह रहे हैं, बिल्कुल ईजी आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट कीजिए, देखते हैं मैथ कैसे आपको दिक्कत करेगा, नहीं करेगा, आपके लिए बिल्कुल आसान बना दिया जाएगा, क्योंकि सारा गेम क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल में छिपा हुआ है। इसी से ही पूरा मैथ बिल्कुल ईजी आसान हो जाता है। ये मैथ की हाई क्वालिटी है, बिल्कुल हाई लेवल की, इससे आपका मैथ बाहर नहीं जाएगा और हर एक क्वेश्चन को हल करेगा। सबसे मेन बात, सबसे बड़ी बात तो यह है कि हर एक क्वेश्चन को फॉलो करता है ये। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 120, यदि पी क्यू के अनुकर्मानुपाती है, तो इसको ऐसे लिख लेंगे, अनुकर्मानुपाती के अनुसार पी बराबर के इंटू क्यू, के यहाँ कांस्टेंट ले लिया मैंने और इसको इस फॉर्म में लिख दिया। देखो, इसके भी मैं दो तरीके बताऊंगा आपको हल करने के, बहुत प्यारे, और आप जो भी चाहे पसंद, फर्स्ट या सेकंड तरीका वो आप कर सकते हैं, या दोनों आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर पहली कंडीशन में क्यू बराबर 232 और पी बराबर है 227, पी का मान यहाँ पर भरेंगे 227 और क्यू का मान बटे में आ जाएगा, यहाँ पर क्यू का मान है 232, तो बराबर रह जाएगा के, तो के का मान मैंने यहाँ से बना लिया। अब देखो, दोबारा कंडीशन दी गई है कि यदि क्यू बराबर 116 है तो पी का मान बताए, फिर इसी में एंट्री भरेंगे, P का मान पूछा है, K का मान मैं यहाँ से भरूँगा 227 बटे में 232 और गुणा Q, Q का मान मेरा 116 है, देख लीजिए 16 दूनी 32 और 2 से मैंने इसको काटा, 2 एकम 2 एकम 2, 3 6 2 5 10, ये आ गया 113.5, तो P का मान आ गया 113.5, बिल्कुल ईजी और आसान, देख सकते हैं आप 113.5, ऑप्शन बी इज राइट, ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। देखो, फर्स्ट तरीका तो ये है आपके लिए, बिल्कुल ईजी और आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपके सामने देख लीजिए। अब हम सेकंड मेथड भी आपको डायरेक्ट बताते हैं। देखो, अगर आप चाहे इन पॉइंटों पर ध्यान रखना, यहाँ पर क्यू का मान है 232 और पी का मान है 227, तो अब दूसरी कंडीशन में Q को इसने आधा कर दिया है, 232 का आधा होता है 116,
तो पी को भी आधा कर दीजिए आप दूसरी कंडीशन में, 227 का आधा कर दीजिए, पी का मान आ जाएगा। देखिए दो एकम दो एकम दो, तीन छः दो पंजे दस, ये आपका सेकंड तरीका है। अगर आप चाहे इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये आपका सेकंड तरीका है। बहुत ही ज़बरदस्त लाजवाब क्वेश्चन हो गया हमारा, बिल्कुल ईजी और आसान। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 121, देखिए बहुत ही प्यारा और जबरदस्त क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने देखने को मिलेगा। तो देखते हैं क्वेश्चन कितना इजी और आसान बनता है। यदि किसी कार्य को करने के लिए किसी मजदूर की कुछ दिनों के लिए 8500 रुपये से नियुक्ति की जाती है, कितने रुपए से? 8500 रुपये से नियुक्ति की जाती है, लेकिन कुछ दिनों तक उसकी अनुपस्थिति के कारण यानी एबसेंट रहने के कारण उसे केवल 6050 रुपये का भुगतान किया जाता है, तो वह कितने दिनों तक एबसेंट रहता है? तो देखिए पैसे कम कर देने से, पैसे कम हो जाने से यहाँ से हमें एबसेंट का मालूम हो जाएगा, तो कितने दिनों तक वह एबसेंट रहता है? क्या करेंगे, देखिए पहले हम यहाँ पर इनका रेशो फाइंड करेंगे, छोटा रेशो। चलिए 5 से काट दीजिए, ये 170 बार कटेगा, 5 से 12 बार, 5 एकम 5, 121 बार। अब इन दोनों का जो अंतर आएगा वह ये अनुपस्थित दिनों की संख्या होगी। तो चलिए देखिए 10 में से 1 घटाएंगे 9, 16 में से 12 घटाएंगे 4, 49 दिन। देखिए ये होगा 49 डेज, तो 49 डेज वह एब्सेंट रहता है। ये हुआ हमारी क्वेश्चन का आंसर, 49, 49 दिन। देखिए बहुत ईजी और आसान आपके सामने। अब नया क्वेश्चन देखेंगे जबरदस्त सॉल्यूशन के साथ। दो क्रमागत वर्षों के बीच मेरी आय का अनुपात, देखिए एक व्यक्ति की आय का अनुपात दो क्रमागत वर्षों के बीच, पहले वर्ष उसकी आय 2 थी, दूसरे वर्ष उसकी आय 5 थी, क्लियर हुआ? और खर्च, पहले वर्ष का खर्च था उसका 4 के रेशो में, और दूसरे वर्ष खर्च था उसका 7 के रेशो में, क्लियर हुआ? अब देखो लैंग्वेज से ही क्वेश्चन हल होगा। दूसरे वर्ष में मेरी आय 75,000 रुपये थी, ये दूसरा वर्ष है ये पहला वर्ष, तो 75,000 5 रेशो के बराबर होगा। देखिए यहाँ पर हमने इक्वल टू इक्वल के साथ प्रयोग किया हुआ है, इक्वल टू इक्वल, यहाँ पहले वर्ष जो दूसरे वर्ष की जो आय थी वह 75,000 थी, तो हमारा रेशो 5 था, तो मैंने 5 से इसको काटा, 15,000 बार कटेगा ये, और 15,000 दुनी 30,000 हो जाएगा पहले वर्ष की आय। देखिए क्लियर होगा, पहले वर्ष की आय 30,000, दूसरे वर्ष की आय 75,000, क्लियर। अब आगे बढ़ेंगे, पहले वर्ष में मेरा खर्च था 20,000, ये खर्च, खर्च के बराबर खर्च, 4 × 5 = 20, एक रेशो की वैल्यू 5,000 है, तो 5 × 7 = 35,000 दूसरे वर्ष उसका खर्च था। यहाँ से मालूम हो गया ऐसे 4 × 5 = 20, 5,000 रुपये होगा एक रेशो की वैल्यू, और 5 × 7 = 35,000, क्लियर होगा, खर्च भी मालूम हो गया। अब उसने पूछा है तो एक साथ ही दो वर्षों में मेरी कुल बचत बताओ। अब देखिए उसकी कुल बचत बताएंगे, दोनों वर्षों की बचत। अब देखो 30,000 कमा रहा है, उसमें से यह 20,000 खर्च कर रहा है, 20, तो बचत कितनी हो रही है, 30 में से 20 घटाएंगे, 10,000 की बचत हो रही है, और यहाँ पर इसको जोड़ेंगे हम, जोड़ेंगे क्योंकि उसने कुल कहा है, कुल के लिए जोड़ते हैं। अब देखो अगर दूसरे वर्ष वह 75,000 रुपये कमा रहा है, खर्च 35,000 रुपये कर रहा है, तो 40,000 रुपये उसके बचत हो रही है, तो कुल बचत हो गई उसकी 40 और 10 = 50,000 रुपये। देखिए 50,000 रुपये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ये रहा जवाब। क्वेश्चन नंबर 123, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 123 सुपर तरीके से हल किया जाएगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा इस बुक से रिलेटेड, एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। देखो
जब संख्या 21, 22, 60 और 64 में से प्रत्येक में से x घटाया जाता है तो इस क्रम की प्राप्त होने वाली संख्याएं समानुपात में होती है। तो इस टाइप का सवाल मैंने पिछली वीडियो में बताए हैं। तो देखिए बहुत इजी तरीका है, 21 और 22 पहली दो संख्याओं को लिखें, फिर बाद की दो संख्याओं को लिखेंगे 60 और 64। और मैंने इसका कॉन्सेप्ट बताया था कि इन दोनों का अंतर लिखेंगे यहां पर और इधर इन दोनों का अंतर लिखेंगे, बड़ा इजी आसान हो जाएगा। देखिए दोनों का अंतर 10 में से एक घटाएंगे 9, 5 में से दो घटाएंगे 3, 39 हो गया। अब यहाँ इन दोनों का अंतर करेंगे, 4 में से दो घटाएंगे 2, 6 में से दो घटाएंगे 4। अब देखो 3 से काट देंगे, ये 3 से कट जाएगा 13 बार, 3 से कट जाएगा 14 बार, और नहीं कटता है क्योंकि छोटा करने से काम आसान हो जाता है। अब मैंने इसका कॉन्सेप्ट बताया था क्रॉस मल्टी का अंतर करेंगे, यानी ब्रज गुणा करके अंतर करेंगे, ऐसे इसकी इसकी गुणा करेंगे, इसकी इसकी गुणा करेंगे, फिर अंतर कर देंगे। करिए चलिए, 14 एकम 14 लिख लेते हैं, 80 लेख 14 दुनी 28 1 29 294। अब ये करते हैं 13 दुनी 26 2, 13 दुनी 26 और 2, 26 2 28। अब देखो दोनों का अंतर ले लेंगे, कितना बनता है अंतर, 14 में से 6 घटाएंगे 8 और 8 में से 8 बचता है। और यहाँ पर इन दोनों का जो अंतर बनता है उससे हम इसको भाग दे देते हैं 1 से, 1 8 8, तो ये आ गया x का मान 8। देखिए x का मान आ गया 8, तो x का मान 8 आ गया। अब हमें इन दोनों का मध्य अनुपाती निकालना है, इन दोनों का, तो इन्हें मध्य अनुपात में लिख लेंगे ऐसे वर्गमूल के अंदर, x का मान 8 और 4 12 हो जाएगा, गुणा x का मान 8 भरेंगे 2 चौका 8 4 में से 1 घटाएंगे 3, एंट्री भर दी मैंने, तो 12 तीन 36 का वर्गमूल 6 आ जाएगा। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, ऑप्शन सी इज राइट, 6। देखिए क्लियर हो गया। अब इसको करेंगे, इसको भी देखिए, ये इससे छोटा है, इसमें बस x का मान तक पूछा है हमसे, आगे नहीं पूछा, तो ये तो बहुत ईजी और आसान हो जाएगा। देखिए 7 4 4 2 और यहाँ पर इन दोनों का अंतर लिखेंगे, इधर इन दोनों का अंतर, चलिए देख लेते हैं, जबरदस्त और आसान सॉल्यूशन आपके सामने। 7 4 का अंतर 3, 4 2 का अंतर 2, क्रॉस मल्टी करेंगे और इनका अंतर करेंगे, 7 दुनी 14 और 3 चौक 12, अंतर हो गया इनका 2, फिर यहाँ का अंतर लेंगे, इन दोनों का अंतर 1 से भाग करेंगे, 1 दुनी 2, तो ये आ गया x का मान, तो x बराबर आ गया 2, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो इसमें पूछा है इतने इतने में से प्रत्येक में कौन संख्या जोड़ी जाए, तो x यानी कि 2 जोड़ी जाएगी, तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, ऑप्शन ए इज राइट 2। नंबर 125, देखो क्वेश्चन नंबर 125, एक दुकानदार 500 रुपये, 350 रुपये और 200 रुपये प्रति पीस की दर से क्रम से जीन्स शर्ट और टी शर्ट के लिए सप्लाई ऑर्डर देता है। वह 46,800 रुपये में प्रत्येक प्रकार की वस्तु 1, 2, 3 के अनुपात में खरीदता है, उसने कितनी टी शर्ट का ऑर्डर दिया। अब देखिए टोटल धन हमारा हो गया 46,800 रुपया। अब देखो एक टी शर्ट, एक जींस की कीमत होगी 500, 500 रुपये, और शर्ट की कीमत दो की होगी 350 दुनी 700 रुपया, और तीन टी शर्ट की कीमत प्रति टी शर्ट है 200 × 3 = 600 रुपया, टोटल होगा 7 7 6 13 5 1800 रुपया हो गया, टोटल 1800 रुपया। दो जीरो से दो जीरो काटेंगे और काटेंगे से 18 दुनी 36, 18 दुनी 36 10, 18 6 108। देखिए एक रेशो की वैल्यू हो गई 26, एक रेशो की वैल्यू हो गई 26 इक्वल टू इक्वल से। अब उसने पूछा है कि उसने कितनी टी शर्ट का ऑर्डर दिया। अब टी शर्ट हमारी यहाँ पर 3 के रेशो में है, तो 3 गुणा 26
26 टे 78 78 टी शर्ट का ऑर्डर दिया। देखिए 78 टी शर्ट, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, ऑप्शन सी। देखो बहुत इजी बट बहुत आसान, बहुत इजी बट बहुत ही आसान। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 126, तोड़फोड़ मचाएंगे अब क्वेश्चनों में। देखो एक विद्यालय में एक कक्षा के तीन वर्गों में छात्रों की संख्याओं का अनुपात पहले कितना था? देखिए 5, 7 और 8 का अनुपात था। तीनों वर्गों में क्रमशः 20, 25 और 40 नए छात्रों के प्रवेश हो जाने पर नया रेशो 9, 12 और 16 हो जाता है। देखिए नया रेशो, लेकिन कब हुआ? जब 20 छात्र बढ़े और जब इसमें 25 छात्र इसमें बढ़े और जब यहां पर 40 छात्र बढ़े तब। तो नए प्रवेश के बाद छात्रों की कुल संख्या ज्ञात करो। देखिए कुल संख्या यहां से निकलेगी 16, 12, 28, 2, 3, 7, 37 बनता है टोटल। अब देखो एक रेशो की वैल्यू फाइंड करेंगे कितना होता है, यहां से निकाल लेंगे। पहले 5 था, 20 के आ जाने से रेशो 4 बढ़ गया। देखिए पहले 7 था, 25 के आ जाने से 7, 5, 12 रेशो 5 बढ़ गया। तो बस वही है 8 और 8 बढ़ गया देखिए रेशो। अब देखो एक रेशो की वैल्यू 5 से 9 हो गया ना, 4 बढ़ा है, 4 पंजे 20, एक रेशो की वैल्यू आ गई 5 और 5 पंजे 25, 8 पंजे 40, इसका मतलब एक रेशो की वैल्यू 5 है। तो यहाँ 37 में 5 की गुणा करेंगे, 5 7 35, 3 5 7 5 15 3 18 185। ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, 185 कुल छात्रों की संख्या थी, ऑप्शन डी इज राइट। ये रहा क्वेश्चन नंबर 127। देखिए क्वेश्चन नंबर 127, एक विद्यालय के 1440 विद्यार्थियों में लड़के और लड़कियों का अनुपात, बॉयज और गर्ल्स का अनुपात दिया है 3:5 और कितने विद्यार्थी है 1440। तो हमारे यहाँ है 8, 5, 3, 8, 8 का 8, 6, 8, 64 और ये 0, एक रेशो की वैल्यू है 180। अब हम यहाँ पर देखते हैं लड़के हो गए 18, 3, 54, 540 लड़के और 18, 95, 900 लड़कियाँ, क्लियर हो गया। 30 लड़कियां विद्यालय की किसी दूसरी शाखा में स्थानांतर हो गई, यानी कि 30 लड़कियां चली गई, तो 870 रह गए, 870 लड़कियां रह गई। और इस अनुपात को 2:3 करने के लिए, यानी कि अब यह अनुपात 2:3 हो जाता है, कितना हो जाता है 2:3, ध्यान से देखो। तो विद्यालय में कितने लड़कों को प्रवेश देना होगा? अब देखिए जो ये 870 रह गए, ये 3 रेशो के बराबर है, ये 870 3 रेशो के बराबर, 3 × 6, 3 × 27, 290, एक रेशो की वैल्यू और 29 × 58, 580 हो गए अब छात्र। तो पहले छात्र थे 540, तो कितने छात्रों को प्रवेश मिला है? 40 छात्रों को प्रवेश मिला है। देखिए क्वेश्चन का आंसर आसानी से आ गया, 540 से 580 हो गए, इसका मतलब 40 छात्रों को प्रवेश मिला है, यानी कि 40 विद्यार्थी लड़कों को, आप कह सकते हैं 40 लड़कों को प्रवेश मिला है, क्लियर हुआ? बिल्कुल ईजी आसान और इक्वल टू इक्वल से, मैंने बार बार कहा है इसी से ही होते हैं सारे क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन होते हैं। अब देखिए ये वाला भी इसी तरीके से बताया जाएगा, इक्वल टू इक्वल करेंगे। 7410 रुपये की राशि ए बी सी में बांटी, कैसे? ए व बी जमा सी का अनुपात इतना, सी व ए जमा बी का अनुपात इतना, बी सी का अनुपात बताए। तो सबसे पहले हम पहले वाला रेशो लिखेंगे, ए रेशो को बटे में करके लिखेंगे बी जमा सी ऐसे, बराबर इनका रेशो है 9:17, फिर सी बटे में ए प्लस बी, इनका रेशो दिया है 5:8।
अब देखो यहाँ पर भी तीनों बंदे हैं ए बी सी, यहाँ पर भी तीनों बंदे हैं ए बी सी, बट ये अलग अलग कैटेगरी के साथ में लिखे गए हैं। बट है, भले ही अलग अलग कैटेगरी में लिखे जाए तो रेशो तो इनका टोटल मान तो एक समान होगा, और तीनों का जो योग इधर होगा वो भी योग इधर होगा, तो इनके रेशो का योग इक्वल टू इक्वल कर लेंगे। ये हो गया 9 और 17, 17 9 होता है 26, 26 है ये, इसको भी इधर 26 कर लेंगे इक्वल टू इक्वल। 26 करने के लिए 2 से गुणा ऊपर 2 से नीचे करेंगे, क्योंकि 5 दुनी 10 और 8 दुनी 16, 16 10 26 होता है। तो मुझे मालूम हो गया 5 दुनी 10, सी का मान तो आ गया मेरे पास 10, क्लियर। अब बी का मान और चाहिए मुझे। अब देखो ए का मान 9 है, देखो 8 दुनी 16 दोनों का मान है, जिसमें ए का मान 9 है, बी का मान 7 हो जाएगा। देखो ए का मान 9 है, 9 यहाँ होगा, दोनों का है 16, जब ए का 9 है तो बी का 7 है, तो बी का मान मेरे पास आ गया 7, क्लियर हुआ। देखो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, बिल्कुल ईजी। अब पूछा है बी सी का रेशो बताओ, तो बी का मान था 7, सी का है 10, 7-10 का रेशो, तो ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 7-10, ऑप्शन बी इज राइट। देखिए बी इज राइट, बहुत ही बेस्ट सॉल्यूशन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 129, बहुत ही सुपर और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ। कार्यालय ए व बी में कर्मचारियों का अनुपात 2:3 है। देखिए कार्यालय ए और कार्यालय बी में कर्मचारियों का अनुपात 2:3 है, तो इसमें 2 के कर्मचारी और इसमें 3 के कर्मचारी, ये मान लिया मैंने, के कांस्टेंट लगा दिया मैंने इनके साथ में। अब आप देखिए ए व बी के महिला कर्मचारियों का अनुपात, ए व बी में महिला कर्मचारियों का अनुपात, अब देखिए इसमें महिला और पुरुष कर्मचारी लेंगे, इसमें महिला होगी यहाँ पर पुरुष, और इसमें भी महिला और पुरुष लेते हैं। अब देखिए ए व बी के महिला, ए में महिला कर्मचारी का रेशो 1 है और बी में महिला कर्मचारी का रेशो 2 है, क्लियर हुआ, देख लीजिए आप। अब आगे बढ़ेंगे तो इसमें पुरुष कितने होंगे, 2 के में से 1 घटाएंगे, 2 के माइनस 1 ये पुरुष हो गए, इसमें 3 के में से 2 घटाएंगे, 3 के माइनस 2 ये बी में पुरुषों की संख्या हो गई, क्लियर होगा, देख लीजिए, बहुत आसान है, बहुत अच्छा है। आगे बढ़ेंगे ए के महिला कर्मचारियों का, अब ए में महिला कर्मचारी 1 है इनका, ए के कुल कर्मचारियों से अनुपात, ए के कुल कर्मचारी है कुल 2 के से अनुपात कितना हुआ है, 1:3, ये रहा 1:3, तो क्रॉस मल्टी कर लेंगे 3/2 बराबर के, 3/2 बराबर यहाँ आ जाएगा के, के की वैल्यू निकाल ली मैंने। अब मुझे ए व बी पुरुष कर्मचारियों का अनुपात बताना, ए व बी के, ए के बी के पुरुष कर्मचारियों का अनुपात, ए में पुरुष कर्मचारी है इतने, अब देखो यहाँ पर ही हल कर लेंगे, ए में कितने हैं 2 के माइनस 1, के का मान मैंने यहाँ पर भरा, देखो कैसे 2, के का मान मैंने 3/2 माइनस 1 ये भरा, ये हो गया 3 × 6 और ये 2 × 2, 2 × 2 और 3 × 6 में से 2 घटाएंगे, देखो 2 × 2, 3 × 6 में से 2 घटाएंगे, 4/2 ये हो गया, 4/2 हो गया पुरुष कर्मचारियों का रेशो। और यहाँ पर बी में भी पुरुष कर्मचारियों का रेशो निकालेंगे, देखिए ध्यान से, 3 के का मान 3/2 माइनस 2, 2 × 4, 3 × 9 में से 4 घटाएंगे, 5/2 ये हो गया।
अब देखो इनका रेशो निकालना, मुझे यहाँ पर निकालेंगे, देखिए यहाँ पर निकालेंगे रेशो, ये पुरुष हो गए इधर 4/2 रेशो 5/2, 2 से 2 काटा मैंने, 4/5 आ गया, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया 4/5। बहुत ही धागड़ खतरनाक क्वेश्चन, बहुत ही जबरदस्त और लेटेस्ट क्वेश्चन है, जबरदस्त ये रहा। अब देखिए ये क्वेश्चन भी आपका 130 नंबर का क्वेश्चन, बड़ा आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ए व बी के पास कुछ टॉफियां हैं, ए बी को एक टॉफी देता है, देखिए ए में से एक टॉफी निकल जाती है, बी पर पहुंच जाती है ऐसे। फिर दूसरी कंडीशन देखते हैं, उनके पास बराबर बराबर टॉफी हो जाती है, हो गई। देखो यदि बी जो है ए को एक टॉफी देता है तो ए पर कितनी टॉफी हो जाती है, ए को एक टॉफी मिल जाती है, ये रही। तो ए के पास बी की टॉफी से दुगनी टॉफी हो जाती है, ये होगी, ए के पास बी से दुगनी टॉफी हो जाती है, ए व बी के पास कुल टॉफी बताओ। तो देखो ये वाली लैंग्वेज थी, बट अगर हम इससे हल करेंगे तो टाइम लगेगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ऑप्शन यूज कर लीजिए, बड़ा आसान है, सिंपल है, आसान है। आप कैसे करेंगे ऑप्शन, देखो इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर, ए माइनस बी बराबर हो गया 2। तो यहाँ पर हम पता लगा सकते हैं ए और बी के पास इतनी जितनी भी टॉफियाँ हैं उनमें 2 का अंतर है, ये यहाँ से पता लग रहा है, ए व बी के पास टोटल जितनी भी टॉफियाँ होगी बट उनकी अलग अलग संख्याओं में 2 का अंतर होगा। तो सबसे पहला ऑप्शन ए लेते हैं, 12 लेते हैं, तो 12 अगर लेंगे तो 12 में हम 2 के अंतर वाली संख्या लिखेंगे, ए में ज़्यादा आएगी 2। देखिए इससे, देखो यहाँ पर मैं लेता हूँ अगर 8 तो यहाँ आ जाएगी, देखो ये आ जाएगी 7 और 5 12, ऐसे लिखेंगे, क्योंकि मुझे 2 ज़्यादा लेनी है इससे, बी से 2 ज़्यादा लेनी है और दोनों का जोड़ 12 आना चाहिए, क्लियर। अब देखो ए पर अगर 7 टॉफियाँ हैं तो उसने एक टॉफी बी को दे दी जिस पर 5 थी, तो 6 बराबर हो जाएगी, क्लियर हो गया। देखिए ये, अब यहाँ पर देख लीजिए, अगर बी ने एक टॉफी इसे दे दी ए को, ये ए हो जाएगा, ये बी, एक टॉफी अगर इसको दे दी तो इस पर 8 हो जाएगी, इस पर 4 हो जाएगी, देखिए 4 से 2 = 8, ए पर दुगनी टॉफी हो जाती है। तो देखिए मुझे यहीं से ही मालूम हो गया, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, बस यहीं से ही पता लग गया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऑप्शन ए इज राइट, ज़्यादा मेहनत ही नहीं करनी पड़ी, मालूम हो गया तुरंत, दोनों कंडीशन क्लियर हो गई, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया ऑप्शन ए। तो ए व बी के पास कुल टॉफियाँ थी 12, ये हुआ हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन, फिनिश।